मैं जमात इस्लामी का कारकुन हूं और आप खास मोतकिद हूं, यानी आपका होगा शायद का लिखने से रह गया। अक्सर कोशिश करता हूं कि कराची में आपका प्रोग्राम जरूर सुनूं। पिछले दोनों दिन मैंने पूरी तवज्जो से आपका दर्स सुना और बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया। इस हवाले से सवाल करने की जसारत कर रहा हूं, अगर कोई गलती हो जाए तो माजरत खा हूं। सवाल, आपने अपनी तकरीर में अक्सर व बेहतर जमात इस्लामी को हदफ तनकीद बनाते हैं, जबकि सही जो कि सही भी होती है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बुनियादी तरबियत जमात इस्लामी से हासिल की। पूछना यह चाहता हूं कि क्या आपके नजदीक इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेना हराम है? क्या आप समझते हैं कि सियासी मैदान पूरी तरह से फासिक व फाजिर लोगों के लिए छोड़ दिया जाए और असेंबलियों में कोई रोक टोक करने वाला ना हो? क्या हुकूमत करना हराम है या जायज रास्ते से हुकूमत की तलब करना हराम है? मुकम्मल इकामत दीन हुकूमत के बगैर किसी तरह मुमकिन किस तरह मुमकिन है? क्या इकामत दीन की जिद्दोजहद करना मुसलमान पर फर्ज नहीं है? क्या हमारे हुक्मरान हमेशा फाजिर व फाजिक रहे और हम सिर्फ एहतजाजी सियासत करके उनसे कुछ मुतालबात मनवाते रहें? क्या एक जालिम हुक्मरान निज़ाम अदल नाफिज कर सकता है? जालिम का मतलब कुरान की रूह से आपसे बेहतर कौन जानता होगा? अल्लाह ताला ने तो इंसानों को अपना नाइब बनाकर जमीन पर भेजा है और हमारा असल काम ही इकामत दीन की जिद्दोजहद होना चाहिए। आप इसके लिए कौन सा रास्ता मुतय्यन करेंगे? अपनी तंजीम के हवाले से इरशाद फरमाएं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अगर आप मेरे दुरूस में और मेरी तकारीर में शिरकत फरमाते रहे हैं तो ये सवालात तो वो बेसिक सवालात हैं कि जिनका मैंने बहुत मरतबा जवाब दिया है। पहली बात तो ये है कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेने को कभी हराम नहीं कहा। मुबाहात में से है इस दौर के जो तरीके हैं, बल्कि मैंने इलेक्शन जो है इस मुल्क के अंदर जो रुका हुआ था प्रोसेस, बार बार कहा इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि मुख्तलिफ इलाके के लोगों के अंदर जो बेइत्मीनानियां पैदा होती हैं, ये गोया के उसके निकलने का एक जरिया है, ये सेफ्टी वाल्व है कि साहब हमारे नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे बात करते हैं, हमारी ये ग्रीवेंस है, हमारा ये हमारी ये शिकायत है, वो शिकायत एक नेशनल फोरम के ऊपर आती है और फिर वहां पर जाकर जो है मुख्तलिफ शिकायात का इजाला और फिर यह कि दूसरे लोगों का क्या नुक्ता नजर है वो भी सामने आता है। तो ये दर हकीकत जैसे रेस्पिरेशन होती है हमारी कि उसके जरिए से हमारे अंदर से बहुत सा मवाद निकलता रहता है। इस तरीके से ये प्रोसेस जरूरी है, इसको चलना चाहिए। अलबत्ता इकामत दीन की जिद्दोजहद के लिए यह रास्ता मौकूफ नहीं है, यह है मेरा मौकूफ। इकामत दीन की जिद्दोजहद फर्ज होना यह तो एक ऐसी बात है कि जिसको शायद जिस कदर शद्दोमद के साथ मैं कहता हूं, शायद अब जमात इस्लामी भी उस शद्दोमद के साथ उस बात का तस्करा नहीं करती, अगरचे मैं ये जानता हूं कि यह फिक्र उसका बुनियादी है कि इकामत दीन की जिद्दोजहद करना मुसलमान पर फर्ज है। दीन कायम कर देना फर्ज नहीं है, जिद्दोजहद करना फर्ज है। कायम कर देना जो है वो तो अगर बहुत से रसूल चले गए दुनिया से बगैर कायम किए हुए तो वो अगर गोया कि अगर फर्ज होता तो गोया कि वो कोताही की उन्होंने, फर्ज वो पूरा नहीं कर सके। कायम कर देना फर्ज नहीं है, कायम करने की जिद्दोजहद करना, उसमें अपना तन मन धन लगा देना ये फर्ज है, ये बंदा मोमिन की जिम्मेदारी है। अलबत्ता सवाल होता है उसके तरीकेकार का। जमात इस्लामी भी एक दौर में इलेक्शन हो रहे थे, उसमें हिस्सा उसने नहीं लिया, उस वक्त भी इलेक्शन हराम नहीं था, पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, 46 का इलेक्शन जो है फैसला कुन था, लेकिन जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया उसमें, तो क्या वो उस वक्त इकामत दीन का काम नहीं कर रही थी? सवाल तो प्रोसेस का है कि किस वक्त क्या काम करने का है। मेरे नजदीक यहां पाकिस्तान में मौलाना मौदूदी मरहूम ने आते ही दो काम किए, एक को मैं 100% दुरुस्त समझता हूं और एक को इंतहाई मोहलिक गलत समझता हूं, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके नतीजे बहुत ही मनफी निकले। एक ये कि उन्होंने मतालबा दस्तूर इस्लामी की मुहिम उठाई, मैंने दोनों तकरीरों में उसका हवाला दिया कि उसको तमाम लोगों का तआवुन हासिल हुआ, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी लेकिन उसके लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जो है वो तो मुस्लिम लीग के लोगों में से थे, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, करारदाद मकासिद पास हो गई, इलेक्शन में हिस्सा लिया फ्लैट हो गए जीरो, इसलिए कि इलेक्शन के नतीजे में तो अब आप मद्दे मुकाबिल बनकर आए। अब आपका साथ देने का मतलब यह कि आपकी हुकूमत बनेगी, तो दूसरे जो है वो भी जाहिर बात है हुकूमत के तालिब हैं, बैठे हुए यहां पर आकर तकसीम हो गए। पहला काम सही, दूसरा काम गलत, वो भी कोई नबी नहीं थे,
और ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई बदनीयती के साथ उन्होंने किया ऐसा। गलती हो जाती है तहरीकों के अंदर, सिर्फ यह है कि इस गलती को पहचान लेना चाहिए। तो ये जो मतालबात या नहीं अनिल मुनकर की तहरीक है, ये तो मैं निजाम को बदलने का जरिया बता रहा हूं। इस लहज से गाड़ी अगर चलती और इसके ऊपर हमारी मुहिमें चलती, बहाली जमहूरियत की मुहिमों के अंदर हमने अपनी कितनी कुव्वत जाय की है, नतीजा क्या निकला? अयूब के खिलाफ तहरीक चली, अयूब से इख्तदार लेकर हवाले किसके हुआ? भुट्टो साहब के। भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली, उनसे जो इख्तदार छीन कर गया किसके पास? फौज के पास। अब फिर अगर कहीं ये तहरीक चलती है जिसके के कोई आसार नजर आ रहे हैं, होगा क्या? वहां से हटकर फिर किसी फौज के पास। बाकी कोई और कुव्वत तो यहां पर ऐसी ताकत वाली मुनज्जम मौजूद नहीं है। आपस के अंदर जब इलेक्शन होगा फिर आपस में लड़ेंगे। ये सूरत हाल है, इसमें वक्त को जाय किए चले जाने का हासिल कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि अपने तरीकेकार पर नजर सानी करने की सिर्फ दावत मैं देता हूं। बाकी मुझे मालूम है कि जज्बा है, खुलूस के साथ काम हो रहा है, लेकिन यह है कि उस तरीकेकार पे अमल करते हुए अगर उसके नताइज सामने नहीं आ रहे तो आखिर इंसानी तदबीर है, इंसानी इज्तिहाद है। नबी कोई नहीं है इस दौर में, अपने उस तर्ज अमल पर नजर सानी करना चाहिए, सिर्फ इसकी दावत है जो मैं देता हूं।